यार एंड के 2 घंटे में ना कहाँ से एक अजीबो गरीब किस्म के लोग आना शुरू हुए। 3 से 4 बाउंसर आ रहे हैं, बोल रहे हैं भाई वहां से 50 लड़के हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, वो हमें डंडे मार रहे हैं, वो हमें धक्के दे रहे हैं। आप यकीन करो मैं अपनी वाइफ को ना लिटरली रेस्क्यू करके निकला हूँ। वो किस किस्म के लोग थे मैं आपको बता नहीं सकता, बट वो कराची के मकामी नहीं थे। इतनी छोटी 15-14 साल की लड़कियां जो है ना वो सिगरेटें वहां पे पी रही हैं, और वो यूं खड़े होकर देख रहे हैं मुंह पे। भाई मतलब मुझे 4 से 5 लोगों का, भाई आप देख रहे हो तमीज नहीं है, लेडीज आ रही है आप साइड में हट जाओ। मतलब फैमिलीज के लिए वैसे ही कोई बाहर जाने की जगह नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, तो बदतमीजी तो खैर देखें बहुत हुई है। सीव्यू का हाल देख लें, ये जो सीव्यू और ये कराची वाले कभी भी इस तरह की हरकतें करते ही नहीं है, उनके अंदर बहुत शऊर है यार। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। अच्छा भाई कराची हीट के अंदर मैं गया था और वहाँ क्या हुआ, क्या मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे व्लॉग में आपने देखा ही होगा, 2-4 दिन पहले ही मैं वापस आया हूँ और मैं बड़ा एक्साइटेड था वहाँ जाके, क्योंकि मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि कराची हीट चल रहा है। बेगम ले गई मुझे और मैं बहुत खुश था। इवन आप मेरे व्लॉग के अंदर भी देख सकते हैं कि मैं कितना एक्साइटेड था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था यार। एक फैमिली वाला माहौल चल रहा, बड़ा डिसेंट, मतलब सारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, पार्किंग के बहुत अच्छे निज़ाम बनाए हुए थे। उस पर भी लोगों ने रोड पे पार्किंग की हुई थी, हालांकि पीछे पार्किंग दी हुई थी और बहुत सारी जगह थी एंड तक, लेकिन क्या करें लोगों की अपनी भी तो होती है ना कुछ चीज़ें। खैर एनीवे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ रश बहुत था, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट जो हमेशा होती है वो भी लोगों की तरफ से होती है कि भाई लोग बिल्कुल मर रहे होते हैं कि भाई खाना मिल जाए, ये मिल जाए। तो उसमें क्या हो रहा था कि जिस जगह पर आपको चाहिए वहाँ पर आपको लाइन में लगना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइन्स हैं, थोड़ी सी यू नो सर्विसेज स्लो हो रही हैं, तो इसकी वजह से ये तो सब नॉर्मल था। इवेंट जब स्टार्ट हुआ है ना भाई, जब वो कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ है 3rd डे का, तो कैफी से पहले 2-3 सिंगर और थे। मुझे नहीं पता क्या सीन था, मैं तो बैक स्टेज था अपनी वाइफ के साथ, तो वहां पे जरा सुकून था, लेकिन जो पीछे की तरफ थे वहां पे बहुत बदतमीजी हो रही थी। और स्टेज पे बार बार अहमद गोडेल जो है ना वो यही लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप तमीज से बिहेव करें, प्लीज फैमिलीज आई हैं। यार एंड के 2 घंटे में ना कहां से एक अजीबो गरीब किस्म के लोग आना शुरू हुए, जिनको मैं गारंटी देके आपको बता सकता हूँ कि कराची के मकामी नहीं है। और जितनी भी जो गंदगी हुई है ना उस इवेंट के अंदर, वो कराची में से किसी ने भी नहीं की होगी, ठीक है ना। ये तो मैं आपको लिख के अपनी आंखों देखा हाल बता सकता हूँ कि जो लोग मैंने देखे ना जो माहौल ख़राब कर रहे थे वो कराची के मकामी नहीं है, और ये बात सब मैं आप हर कोई जानता है। खैर एनीवे हुआ ये कि भाई वहाँ पे जब परफॉर्मेंस चल रही तो किसी ने साउंड सिस्टम का पहले तो पावर कट ऑफ कर दिया उनका ना, वहाँ का कोई तार वार निकाल दिया, जिस पर बीच परफॉर्मेंस में यार ये बड़ी एम्बेरसिंग मोमेंट होती है एक परफॉर्मर के लिए। मैंने खुद स्टेज पर परफॉर्म किया, मुझे पता है कि ये क्या होता है, मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ यार। ये एक तो हरकत की और सिर्फ किस लिए की, तफरी आ रही है, मतलब वो जो 8-10-15 लोगों का ग्रुप होता है ना उनके तफरी के लिए कोई भी चीज ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको ये वो अच्छा इंपैक्ट हो गया, लो भाई तफरी हो गई उनके लिए तो तफरी हो गई। लेकिन अगले जिस ब्रांड ने लाखों करोड़ों रुपया लगा के आपके लिए, आपकी फैमिलीज के लिए, एक शहर के लोगों के लिए एक इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है ना, उनका वो बर्बाद कर दिया। खैर वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर अहमद गुडेल ने आके रिक्वेस्ट की, कुछ सिक्योरिटी वाले आए, मतलब कैमरा भी दिखाया कि भाई ये देखो ये लोग हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं, इनको निकालें। तो उनको किस तरीके से निकाले, रश के बीच में से वहां लड़ाइयां भी हो रही, सब कुछ हो रहा, लेकिन जो मैक्सिमम वो कर सकते थे करें। फिर क्योंकि मैं बैक स्टेज था ना, तो बैक स्टेज पे हर थोड़ी देर के बाद ना 3 से 4 बाउंसर आ रहे हैं, बोल रहे हैं भाई वहां से 50 लड़के हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, वो हमें डंडे मार रहे हैं, वो हमें धक्के दे रहे हैं, वो हमारे गिरबान पकड़ रहे हैं, और वो दरवाजा तोड़ के आ गए। फिर वहां पे उन्होंने दोबारा से जो है ना वो कुछ रुकावट लगाई, उसका जो बैरियर वगैरह था वो सब चीजें लगाई। मतलब ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ पीछे स्टेज के खड़े होकर ना, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ लड़कियां जिनके साथ बदतमीजी हुई है ना वो भी बड़ा गलत हुआ है। और कुछ लड़कियां मैं सिंपली ये कहूंगा कि यार बहुत ही ज्यादा क्या कहेंगे, एक टर्म होती है आपे से बाहर। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है ना यार, मुझे बड़ा दुख हुआ है कि यार इतनी छोटी 15-14 साल की लड़कियां जो है ना वो सिगरेटें वहां पे पी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, फिर वो आपस में लड़ भी रही हैं, एक दूसरे के बाल खींच रही है। मतलब यार इतनी बुरी तरीके से कौन करता है? आप मतलब यार पाकिस्तानी फैमिली हो भाई, आप गोरे नहीं हो, गोरों के अंदर तमीज नहीं होती, हमें तो भाई बचपन से तमीज सिखाई जाती है, तो आप थोड़ा सा अपनी फैमिलीज का ही ख्याल कर लेते। मतलब वहां लड़कियां लिटरली एक दूसरे को मारने के लिए आपस में लड़ रही हैं, बाल खींच रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। मुझे इतना दुख हुआ कि यार ये क्या देख रहा हूं मैं अपने हाथों से। लेकिन जो सबसे ज्यादा माहौल खराब किया ना वो किया है जो आखिर के 1 घंटे के अंदर कुछ लोग आए। आप यकीन करो मैं अपनी वाइफ को ना लिटरली रेस्क्यू करके निकला हूँ। कैसे मैं आपको बताता हूँ भाई, वहां पे क्योंकि वापसी जाने का जो रास्ता था वहां पे तो लोगों ने पूरा हुजूम लगाया हुआ कि ये दरवाजा खुलेगा और वो तोड़ के अंदर आएंगे, तो वहां से तो हम जा ही नहीं सकते थे। मैं स्टेज के पीछे से घुमाऊं कि कहीं से मुझे रोड का रास्ता मिल जाए, मैं बाहर से जाके अपनी गाड़ी निकाल के ले जाऊं, लेकिन नहीं मिला। फिर वो जो बाथरूम वाला एरिया था ना वहां पे उन्होंने कोई टेंट शामियाना लगाया था, वहां से ना कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं अंदर ना तोड़ खोल के। तो मैंने वाइफ को अपने साइड में दिया और मैं वहां से मैंने कहा चलो हम यहाँ से निकल गए ना पब्लिक वाले एरिया में चले जाते हैं, ताकि वहीं से हम जो रास्ता है ना एग्जिट का वहां चले। आप यकीन करें मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और मेरी वाइफ ने एक तमाशा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको 50-100 लोग खड़े होकर देख रहे हैं। वो किस किस्म के लोग थे मैं आपको बता नहीं सकता, बट वो
कराची के मकामी नहीं थे, अजीब उनका हुलिया वहां, और भी पता नहीं क्या हरकतें चल रही थी, और वो 50 लोग यूं खड़े में, मैं लिटरली अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ, मैं उसको लेके आ रहा हूँ कि आओ तुम यहाँ पे आओ सामने, और वो यूं खड़े होकर देख रहे हैं मुंह पे भाई, मतलब मुझे 4 से 5 लोगों का, भाई आप देख रहे हो तमीज नहीं है, लेडीज आ रही है आप साइड में हट जाओ, यूं खड़ा हुआ है मुंह पे ना, मतलब लेडीज जहां से जा रही है मुंह पे खड़ा होकर यूं देख रहा है, अबे भाई तू क्या देख रहा है यार, तू क्या पागल वागल है, तमीज नहीं है तुम्हारे घर में, माँ बहन नहीं है या कभी तुमने जिंदगी में औरत नहीं देखी यार। मुझे इतना गुस्सा, मुझे इतनी, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ ना कि इस वक्त मैं क्या करता, लेकिन खैर मैं अपनी जान बस बचा के, इज्जत बचा के जो है ना, हमने कहा यहाँ से निकलो एटलीस्ट, इस रश में से निकले ताकि हम आगे जाएं। खैर शुक्र है आगे फैमिलीज वगैरह थी, तो फिर मैं अपनी वाइफ के साथ फैमिलीज के ही बीच में रहा, वहाँ पे भी डिस्कशन हो रही थी कि भाई किसी के ऊपर कोई लड़का गिरा के, किसी ने उसको मारा, किसी ने ये किया, तो बदतमीजी तो खैर देखें बहुत हुई है, लेकिन इसमें कसूर सिर्फ आवाम का अपना है, ना मैनेजमेंट का मैं कसूर कहूँगा, ना मैं सिक्योरिटी का कहूँगा, क्योंकि भाई मैंने जो देखा मेरे हिसाब से सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, मैनेजमेंट बहुत, हाँ होंगे लैकिंग होगी, मुझे नहीं पता अंदर की डिटेल्स क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार ये लोगों को ना थोड़ा सा ज़िम्मेदार खुद होना पड़ेगा, और खामा खामे देखें एक इस तरह के ब्रांड को, हमारे वैसे ही शहर के अंदर कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती और उसको जो है ना इतना करके उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर क्या रह जाएगा, मतलब फैमिलीज़ के लिए वैसे ही कोई बाहर जाने की जगह नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, और इस तरह के इवेंट्स कोई करता है, इनिशिएटिव लेता है, तो उसको इस तरीके से बर्बाद किया जाता है। तो भाई ये जो शहर के अंदर गैर मकामी लोग आके बस गए ना, और ये जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, भाई रहें आके, आपका अपना मुल्क है, सब कुछ रहें, लेकिन यार ये आप चीज़ों को ख़राब करते हैं ना, ये बहुत बुरा। सी वी यू का हाल देख लें, ये जो सी वी यू और ये सारी चीज़ें जो बदनाम है, किसकी वजह से बदनाम है, कराची वाला नहीं है भाई कोई, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये आम लोगों को सोचना चाहिए कि कराची वाले कभी भी इस तरह की हरकतें करते ही नहीं है, उनके अंदर बहुत शऊर है यार, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। जो इधर उधर के लोग आके ख़राब करते हैं ना भाई, ख़राब ना करो, रह लो आके यार, कोई मसले की बात नहीं, आप भी हमारे भाई हो, आप भी हमारे लोग हो, आप भी इसी मुल्क के हो। तो एनी वे भाई ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था। अब कुछ बातें और भी कानों में आ रही हैं कि भाई ऐसा भी हुआ वहाँ पे, ऐसा भी हुआ, तो अल्लाह जाने क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बट मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो मैंने आपको बताया। आई होप कि यार हमारे शहर में जो है ना हालात बेहतर हों, और गवर्नमेंट को अकल आए, कुछ ढंग के इंतजाम करें ताकि यार लोग एटलीस्ट सुकून से तो ज़िंदगी गुजार सकें, वरना यार क्या होगा इन दी एंड, मतलब लोग छोड़ छोड़ के भागेंगे, लोग या तो डिप्रेशन में जाएंगे या क्या करेंगे, क्या है आपके पास ना, इसी तरह की चीज़ें होती हैं भाई, तो इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। आई होप कि यार पाकिस्तान की और कराची की हालात अल्लाह बेहतर करें, आमीन। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आप सेफ़ रहें, खुश रहें और ज़िम्मेदार रहें। थैंक यू।